मैं सच में यार बाल बाल कटवा के कैसा लगता हूँ, हमेशा बाल लंबे रखता हूँ मैं, और जब एकदम से कटवाता हूँ ना बहुत ही अजीब सा लगता हूँ। बट आपको यहाँ पर मुझे नहीं देखना है, आपको देखनी है मेरी ट्रिक्स, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ट्रिक्स ऐसे बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी वीडियोज को वायरल कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम रील्स को, ठीक है ना। वायरल से मेरा मतलब है ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर इंस्टाग्राम जो रील्स होती है वो कैसे यहाँ पर उसमें व्यूज़ आते हैं ज़्यादा, इंस्टाग्राम यहाँ पर उसको सजेशन में कैसे भेजती है लोगों के पास। देखो सबसे मेन जो चीज़ होती है आपका कॉन्टेंट, आपका हैशटैग्स, ठीक है ना। अगर कोई बंदा कॉमेडी ही कंटेंट देख रहा है तो इंस्टाग्राम उसको कॉमेडी ही कंटेंट भेजेगी, ये बात आपको पता है। तो अगर आपने कॉमेडी कंटेंट बनाया ना, तो इसलिए मेन चीज़ होती है कंटेंट। तो आपने अगर कॉमेडी कंटेंट बनाया तो इंस्टाग्राम कॉमेडी वाले बंदों के पास भेज देगी। बट इंस्टाग्राम को पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा आपके हैशटैग से, ठीक है ना, जब आप कॉमेडी वाले हैशटैग्स लगाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको हैशटैग के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बाद कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी जो रील्स है वो ज़्यादा जनों के पास चली जाएगी बहुत ईजिली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं मानता हूँ, वीडियो क्वालिटी, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट बहुत सही है, आपने एक चीज तो जरूर सुनी होगी, क्वालिटी कंटेंट वीडियोस बनाओ, ठीक है ना। तो यहां पर क्वालिटी कंटेंट तो आपको पता ही है, कंटेंट तो आप मस्त बनाते हो, तो आपकी जो कहीं दिक्कत आ रही है वो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। तो क्वालिटी में आपके आज थोड़ी सही करने वाला हूं, मतलब इंस्टाग्राम की क्वालिटी सही करने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, बेसिकली यहां पर अपने इंस्टाग्राम पर जाना है, उसके बाद यहां पर 3 जो लाइन है या राइट हैंड साइड में वहां पर चले जाना है। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद आप अकाउंट सेटिंग में चले जाना, तो यहां पर आपको एक डाटा यूजेज का ऑप्शन दिख जाएगा। एंड्रॉइड में डाटा यूजेज कुछ ऐसी जो मैं दिखा दूंगा, कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको 2 सेटिंग मिलेगी, तो आप इन दोनों को यहां पर टिक कर देना, मतलब दोनों को इनेबल कर देना। तो बेसिकली यहां पर एक चीज क्या है, यहां पर ये चीज है, जब आप वीडियोस अपलोड करते हो तो यहां पर इंस्टाग्राम का क्या सीन होता है कि इंस्टाग्राम ज्यादा एमबी फूकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो ज्यादा एमबी की होती है। तो अगर आप इसको ऑफ करते हो तो इंस्टाग्राम आपकी जो वो वीडियो है वो थोड़ी लो क्वालिटी में अपलोड करवाएगा और आपसे थोड़ी कम एमबी लेगा, तो ये डाटा बचाता है। बट हमको डाटा से कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है अपने व्यूज से। तो आप इन दोनों को इनेबल कर देना, आपसे यहां पर जब आप वीडियोज अपलोड करोगे तो आपकी एक अच्छी क्वालिटी में वीडियोस अपलोड होगी। उसके बाद जब आप यहां पर बिल्कुल फाइनल, जब आपका जो पेज होता है फाइनल में जब आप अपलोड करोगे, नीचे एडवांस सेटिंग दिखेगी, उसके बाद भी उसको यहां पर वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको यहां पर इनेबल कर देना उसको भी, ठीक है ना। तो आपने 3 सेटिंग कर दिया, आपसे जैसी आपकी वीडियो बनी है बिल्कुल HD में, आपकी वैसी अपलोड होगी, आपके पिक्सल नहीं गिरेंगे, ठीक है ना। तो आपने कॉन्टेंट तो अच्छा बना लिया, क्वालिटी भी आपने रख ली, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो गया। अब आती है बात हैशटैग्स की, ठीक है ना। तो गाइस देखो हैशटैग हमेशा हमको वीडियो से रिलेटेड ही डालने चाहिए। अगर आपका कंटेंट कॉमेडी वाला है तो हैशटैग केवल कॉमेडी ही वाले डालना, उल्टे सीधे हैशटैग कभी मत डालो, इससे इंस्टाग्राम कन्फ्यूज हो जाता है और आपकी वीडियोस को वायरल नहीं करता है, आपकी वीडियो सजन मतलब लोगों के पास भेजता ही नहीं है। मैंने एक चीज़ बताई, आपको पता होगा अगर आप क्रिकेट की वीडियो देख रहे हो तो इंस्टाग्राम आपको केवल क्रिकेट की ही वीडियो दिखाता है, ठीक है ना। बट इंस्टाग्राम को कैसे पता चलता है कि ये वीडियो क्रिकेट की है और मुझे क्रिकेट फैंस के पास भेजनी है, ठीक है ना। मैं क्रिकेटर मतलब क्रिकेट का फैन हूँ, ठीक है ना, मैं क्रिकेट की वीडियोज़ देखता हूँ, तो इंस्टाग्राम मेरे पास सारे क्रिकेट की वीडियो भेजेगी। बट इंस्टाग्राम को कैसे पता कि ये वीडियो क्रिकेट की है, वो पता चलता है उसको उसके हैशटैग से। और जो लोग कमेंट करते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग में आपकी वीडियो पे कमेंट नहीं आते तो इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम होते हैं वो आपके हैशटैग यहां पर चेक करते हैं कि ये वीडियो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप केवल वही भेजना, अगर आपने कॉमेडी कंटेंट बनाया तो केवल कॉमेडी हैशटैग लिखना, सैड कंटेंट बनाया तो केवल सैड ही कंटेंट लिखना, इससे इंस्टाग्राम को पता चल जाएगा और उसके बाद सही बंदे के पास भेज देगी। और आपके कंटेंट में दम हुआ तो वो बंदा लाइक करेगा, तो इंस्टाग्राम ज्यादा जनों के पास भेजेगी, इस तरीके से वीडियोस वायरल होती है, ठीक है ना। और मैं एक ट्रिक आपको और बताना चाहता हूं, अगर आपका केवल कॉमेडी ही कंटेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉमेडी बनाते हैं, तो आपका केवल कॉमेडी कंटेंट है तो फेसबुक पर जितने भी ग्रुप्स हैं कॉमेडी वाले वहां पर अपनी वीडियो शेयर करो। और एक ग्रुप में आपको ये दिखा रहा हूं इंस्टाग्राम हैक्स मतलब ये करके, ठीक है ना। तो यहां पर इसमें लाखों मेंबर है, ठीक है ना। तो यहां पर भाई क्या होता है सीन, यहां पर मैंने देखा लोग कॉमेंट में, यहां पर जो यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव है, तो यहां पर लोग करते क्या है अपनी इंस्टाग्राम रील सेंड करते हैं और उसके बाद भाई यहां पर काफी ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं, अपना यूजर नेम लिख देते हैं, तो कुछ लोग आपकी रील्स पर चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत बूस्टर मिल जाता है, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। या फिर आप यहां पर लाइक टू लाइक वाला, फॉलो टू फॉलो वाला, वो भी ऑप्शन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं करता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई मुझको, तो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है मेरे, एक तो 2-2 चैनल है, उसके बाद भाई यहां पर इंस्टाग्राम पर भी रील्स वगैरह आजकल मैं अपलोड करने लगा हूं कॉमेडी कंटेंट, ठीक है ना, धीरे धीरे वायरल होगी। तो यहां पर अगर आपको जानना है कि मैं कैसे करता हूं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बस यार आज की वीडियो तो नहीं, मिलते अगली वीडियो में, इसी के साथ हमारे प्यार के, और फिर मिलेंगे चलते चलते।